वेलकम टू माय लेक्चर नंबर 10। मैं हूँ सुरभि गोयल, एक हॉरोस्कोप रीडर, एक टैरो कार्ड रीडर, एक वास्तु कंसल्टेंट और एक न्यूमरोलॉजिस्ट। तो चलिए, मैं आज जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ लेक्चर नंबर 10 में, वो है हमारा कार्ड द एम्परर, एंड द कार्ड नंबर इज 4। हम मेजर आर्काना की सीरीज पढ़ रहे हैं, और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने हैं तो प्लीज पहले उन्हें सुन लीजिए, तभी आपको कार्ड्स की क्लैरिटी अच्छे से होगी। आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको क्रैम नहीं करना पड़ेगा, यू विल इजिली बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज। तो चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द कार्ड। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि कार्ड में हम क्या देखते हैं, नंबर देखते हैं, बट मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, वास्तु थ्रू कार्ड्स। तो आज उसी की थोड़ी सी छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये जो कार्ड है, ये मेजर आर्काना का है। ये कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है? स्काई एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और स्काई एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब कि ये कौन सी डायरेक्शंस को शो कर रहा है? ये शो कर रहा है एक तो आपके सेंटर ऑफ द हाउस को और एक आपके वेस्ट को। नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर। नंबर हियर इज नंबर 4, विच मीन्स द प्लैनेट इज राहु। और राहु कौन सी डायरेक्शन को सिग्निफाई करता है? साउथ वेस्ट को। इसलिए इस कार्ड में, ये जो कार्ड है, ये न्यूट्रल टू नेगेटिव होता है बहुत ज्यादा। इट्स अ पॉजिटिव कार्ड बट आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। इसलिए सबसे पहली रेमेडी आप अपने क्लाइंट को क्या देखेंगे? बिना उसके घर जाए, बिना अपने क्लाइंट को जाने, बिना उनका घर देखे, आप उन्हें बोल सकते हैं कि आपके घर का सेंटर वेस्ट और साउथ वेस्ट ये थोड़ा सा डिसबैलेंस्ड है, और आपको यहाँ पे थोड़ी सी रेमेडीज करने की जरूरत है। रेमेडीज क्या होती है, ये सारी डिटेल सब कुछ प्रैक्टिस सेशंस में अपने पेड कोर्स में पढ़ाती हूँ। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं कभी भी, लेकिन अगर आप इतना भी सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ आ जाएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग द कार्ड। कार्ड रीड करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर देख रही हूँ नंबर। नंबर है इस कार्ड का 4, जो कि लिखा होता है रोमन न्यूमरल में। 4 नंबर का मतलब क्या हो गया कि इसका जो प्लैनेट है वो है राहु। प्लैनेट हो गया राहु। राहु कैसा प्लैनेट है? आपको भर भर की स्ट्रगल्स देता है। एक और चीज जो मैंने हमेशा बताई है प्लैनेट राहु के बारे में, वो क्या है? अनडायग्नोस्ड डिजीजेस। सबसे पहली चीज होती है अनडायग्नोस्ड डिजीजेस। इससे क्या होता है, कोई इंसान है वो बीमार हो जाएगा, वो 10 हॉस्पिटल के चक्कर काट के आ जाएगा, वो ठीक भी हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या थी, या ठीक होने के बहुत बाद में समझ आएगा कि अच्छा शायद ये प्रॉब्लम थी उस पर्सन को। इस पर्सन को आप बोलेंगे कि देखिए सक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा लाइफ में 100%, लेकिन पहले बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत लिमिटेशंस आएंगी, बहुत ऑपोजिशंस आएंगी, बहुत से आपको हिडन एनिमीज भी मिलेंगे इसमें, बहुत से हिडन एनिमीज भी मिलेंगे। बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद आप ऐसी पोजीशन पे आएंगे जब फाइनली आपके पास अथॉरिटी होगी और सक्सेस होगी, बट पहले इट इज ऑल अबाउट स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी, प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तब आपके काम बनेंगे। और इस चीज में, इस कार्ड में, इस नंबर में हम एक और चीज बोलते हैं, वो है सडन थिंग्स। सडन थिंग्स, सडनली कुछ हो जाना, सडनली बीमार पड़ जाना, सडनली प्रॉफिट होना, सडनली गेन होना। नंबर 4 जहां पे भी होता है वो इंसान को पैसा तो देता ही देता है, लेकिन स्ट्रगल, मेहनत, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीजें भी देता है। अब देखिए इस कार्ड को हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक किंग है, और पीछे क्या है? माउंटेन्स। जो ये बैकग्राउंड का यहाँ पे कलर दिख रहा है हमें, मोस्टली बैकग्राउंड का सारा कलर है ऑरेंज। और मैंने क्या कहा था आपको, ऑरेंज कलर का मतलब क्या होता है? इनिशियल स्ट्रगल। अभी तो आप इस पर्सन को देख रहे हैं, कार्ड का नाम क्या है? द एम्परर। एम्परर बना हुआ देख रहे हैं इस पर्सन को, किंग बना हुआ देख रहे हैं आप इस पर्सन को, लेकिन इस पर्सन ने बहुत स्ट्रगल भी किया है। पहले इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है,
और उसके बाद जाके इन्हें स्टेबिलिटी मिली है। मैं स्टेबिलिटी वर्ड क्यों यूज कर रही हूँ? टैरो कार्ड में देयर इज ऑलवेज अ लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग। अगर आप लॉजिक समझ जाएंगे तो कार्ड को समझना कभी मुश्किल नहीं होगा। व्हाई एम आई यूजिंग द वर्ड स्टेबिलिटी? क्योंकि मैंने हमेशा बताया है, टैरो कार्ड्स में जहां पे भी माउंटेन्स आएंगे, माउंटेन्स को एसोसिएट किया जाता है स्टेबिलिटी से। और ये जो माउंटेन्स हैं, इनका भी कलर ऑरेंज है। इसका मतलब इस पर्सन की लाइफ में स्टेबिलिटी तो है, लेकिन वो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए इस पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है। उसके बाद आज ये इस पोजीशन पे आए हैं कि ये थ्रोन पे बैठे हुए हैं। आप देखते हैं इनकी थ्रोन को। ये जो थ्रोन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, आपको कैसा दिख रहा है? गॉड लाइक कुछ फेस दिख रहा है। ये देखिए, कुछ क्रीचर सा दिख रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए, थोड़ा गॉड लाइक भी इमेज दिख रही है ये। तो यहाँ पे जो ये गॉड लाइक इमेज बनी हुई है थ्रोन पे, जब भी आप देखेंगे तो हमेशा आप एक ही तरह का इंटरप्रिटेशन देंगे कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। पर्सन इज नॉन फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। ये सारी चीजें आप लिखते जाइए तो आपके नोट्स बन जाएंगे। आपको कभी किसी कॉपी, किसी बुक, किसी डायरी, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कभी किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि स्टडी मटेरियल कहाँ है या मैं कौन सी बुक रेफर करूँ। इन चीजों को लिखते जाइए और ध्यान से समझते जाइए। यहाँ पे जो इंसान दिखाया है, दिस पर्सन इज वेरी रिजिड। इसने जो सोच लिया, ये उसी पैटर्न पे काम करता है। रिजिड से भी ज्यादा मैं बोलूंगी एक और चीज, दिस पर्सन इज अ कन्वेंशनल थिंकर। कन्वेंशनल थिंकर, कन्वेंशनल थिंकर का मतलब क्या होता है? जनरली देखिए, हम क्यों कहते हैं, एक वर्ड आजकल हम बहुत यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं जेनरेशन गैप। व्हाट इज जेनरेशन गैप? लोग तो वही है, इंसान वही है, कंट्री वही है, खाना वही है, कपड़े वही है। व्हाट इज जेनरेशन गैप? कॉटन का कपड़ा तो वही है ना, कॉटन का। उसमें से आप साड़ी बना ले, या आप टॉप और जीन्स बना ले, या आप ड्रेस बना ले, या आप शॉर्ट्स बना ले, कपड़ा तो वही है कॉटन का, बेस तो वही है। फिर भी ये जेनरेशन गैप क्यों होता है? क्यों बच्चे कहते हैं पेरेंट्स को, आप पुरानी जेनरेशन के हो, पुराने ख्यालात के हो? क्योंकि जो चीजें हम सोचते हैं, जो थिंकिंग पैटर्न पे हम वर्क करते हैं, उसे चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पर्सन है, ये इसके पास अथॉरिटी है, इसने स्ट्रगल किया है, सारी चीजें मैं मानती हूँ, लेकिन अभी अपनी थिंकिंग पे रिजिड हो चुके हैं। इन्हें लगता है अगर किसी चीज को, किसी काम को करने का सही तरीका एक तरीके से होना चाहिए तो वो उसी तरीके से होना चाहिए। ये अपने तरीकों को बदलना नहीं चाहते हैं, इसीलिए इस कार्ड में थोड़ी सी और नेगेटिविटी और प्रॉब्लम दिखाई देती है। आप क्या देख रहे हैं? इस पर्सन की व्हाइट कलर की बियर्ड है। व्हाइट बियर्ड का मतलब क्या होता है? बड़े लोग कहते हैं ना, बाल सफेद ऐसे ही नहीं कर लिए। इसका मतलब एक्सपीरियंस। इस पर्सन को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि 20 साल का इंसान आपसे रीडिंग करवाए और ये कार्ड आए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्टिल बोलेंगे कि आपके पास एक्सपीरियंस बहुत है। कुछ लोग होते हैं ना जो कम उम्र में मेच्योर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस जो वो गो थ्रू करते हैं। इस पर्सन के पास नॉलेज बहुत है। नॉलेज और एक्सपीरियंस एज से आता है, लेकिन एक्सपीरियंसेस और इंसिडेंट्स एंड लाइफ के सर्कमस्टेंसेस से भी आता है। तो इस पर्सन ने अपनी लाइफ में इतनी मेहनत की है कि आज ही बहुत नॉलेजेबल है, बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन है, बहुत ही अथॉरिटेटिव पर्सन है। ये जो चाहिए वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ? क्योंकि इनके हाथ में देखिए ये स्टिक है, ठीक है, ही इज होल्डिंग अ स्टिक अपवर्ड्स। इन्होंने अपने हाथ में एक स्टिक पड़ी पकड़ी हुई है जो कंप्लीटली अपवर्ड्स पॉइंट करती है एंड इज एब्सोल्युटली स्ट्रेट। इनकी जो ये स्टिक है, ये बिल्कुल ही स्ट्रेट है।
इसका मतलब ये जो सोचते हैं उसको एग्जीक्यूट भी कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो सिर्फ ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, सोचते हैं कि आज तो मैं ये करूंगा, कल से मैं वो करूंगा। ये जो सोचते हैं वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं और दूसरों से भी करवा सकते हैं। इसका अर्थ का मतलब ये नहीं है कि पर्सन किंग है, बट आप कॉन्टेक्स्ट को समझिए। आप ये समझिए कि किंग कैसा होता था। उसके पास अथॉरिटी, पावर होती थी, लोग उसको पूछते थे, उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी रहती थी, लेकिन स्ट्रगल हमेशा होता था। एक किंग के पास किंगडम है तो वो कैसे है, क्योंकि वो बैटल्स पे जाता है 1-2 सालों के लिए, महीनों के लिए, दिनों के लिए। एक किंग की लाइफ आसान नहीं है, उसके बाद वो एक स्टेबिलिटी अपनी फैमिली को प्रोवाइड करता है। इनके सर पे जो क्राउन है वो क्या दिखा रहा है कि फाइनली ही हैज अचीव्ड व्हाट ही वांटेड टू अचीव। जो ये सर का क्राउन है ये हमें दिखा रहा है कि इन्होंने अपनी चीजें अचीव कर ली है, बट आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। लास्टली इस कार्ड में हमें क्या देखना है, इनके जो पैर हैं, जो इनकी लेग्स हैं, ये क्या है, इन्होंने बूट्स पहने हुए हैं। जो बूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बाहर से बहुत ही हार्ड होते हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं। अंदर से सॉफ्ट नहीं होंगे तो आप कैसे पहनेंगे। इसका मतलब ये जो पर्सन है ये अंदर से सॉफ्ट है लेकिन बाहर से बहुत ही सख्त है, बहुत स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी है ये बाहर से। एक्सटीरियर इज वेरी स्ट्रिक्ट लेकिन अंदर से इनके अंदर जेंटलनेस है। बट ऑफ कोर्स सिंस दिस पर्सन इज अ कन्वेंशनल थिंकर, इस वजह से प्रॉब्लम आती ही आती है। इनके कपड़ों का अगर आप कलर देखेंगे तो ये कपड़ों का कलर क्या है, रेड। रेड का मतलब कैसा हो गया, एक मेच्योर पर्सन तो है ये, लेकिन इस पर्सन के अंदर एंगर भी है, अग्रेशन भी है, पैशन भी है। जो भी काम ये पर्सन करेगा पूरे पैशन के साथ करेगा। सारी चीजें हैं, एंगर, अग्रेशन, पैशन, सारी अच्छी चीजें इस पर्सन के पास है। लव भी है, फेथ भी है, लेकिन एंगर बहुत ज्यादा है। और ऊपर से इन्होंने और ज्यादा डार्क रेड कलर की शॉल पहन ली है, मतलब अग्रेशन और पैशन बहुत ज्यादा है इस इंसान में। ये जो चाहे अचीव कर सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी, बहुत स्ट्रगल के बाद। अगर आपसे कोई पूछता है क्या मैं नया बिजनेस शुरू कर लूं और आपके पास ये कार्ड आ जाता है तो आप उन्हें मना कर दें, और अगर वो फिर भी जिद पे है कि मुझे करना है तो आप पहले से वॉर्न कर दीजिएगा कि देखो सक्सेस मिलेगी लेकिन बहुत बाद में, पूरे टूट जाओगे उसके बाद सक्सेस मिलेगी। और दूसरी चीज ये है कि प्लीज अपनी थिंकिंग को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना। लेकिन अगर किसी का ऑनगोइंग कुछ चल रहा है, अगर कोई आपसे पूछता है नई रिलेशनशिप के बारे में, नए बिजनेस के बारे में, या नया कोई लीगल इश्यू की मैं केस कर दूं उसके ऊपर, क्या मेरे जीतने के चांसेस है, आप नो बोलेंगे। लेकिन अगर किसी का कुछ ऑलरेडी चल रहा है तब आप क्या करेंगे, आप कभी अपने क्लाइंट को उदास नहीं करेंगे। आप उन्हें बताएंगे कि देखिए अभी चीजें उतनी अच्छी नहीं है लेकिन स्ट्रगल करोगे तो आगे अचीव हो जाएगा। अगर किसी को ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं अब इस बिजनेस को बंद करो, छोड़ो सब कुछ, साइड में रखो और कुछ और सोचो। वो क्या करेगा, फैमिली कहाँ से खाना खाएगी। ऑनगोइंग रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप है, वो आके आपसे पूछते हैं तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि डिवोर्स ले लीजिए। नो, आप बोलेंगे अभी स्ट्रगल है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, थोड़ा स्ट्रगल है, धीरे धीरे स्टेबिलिटी आएगी। कुछ टाइम चुप करके मुंह बंद करके सुन लो अपने हस्बैंड की बात, टाइम निकल जाएगा, उसके बाद अच्छा टाइम भी आएगा। इस तरह से आपको उन्हें आंसर करना है। साथ ही साथ आपको उन्हें वास्तु की रेमेडी भी देनी है। आपको कहना है कि आपके घर का सेंटर, वेस्ट और साउथ वेस्ट, ये तीनों दिशाओं को और ज्यादा अच्छे से चेक कीजिए और यहाँ पर अच्छे से बैलेंसिंग कीजिए। बस दिस वॉज ऑल अबाउट दिस कार्ड। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, कमेंट से मुझे पता चलता है कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं और आप लोग फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड आई एम नाउ गोइंग टू मीट यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर।